दोस्तों, कल मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था फ़ोन पे, और उसने बताया कि उसने करीब 2 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, कहीं पर फिक्स कर दिए हैं। और वो मुझसे कह रहा था कि 10 साल में तो वो डबल हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला यार नहीं हुआ डबल। उसने बोला हो जाएगा डबल। तो मैंने उसको बताया कि देख, बैंक में क्या रेट चल रहा है अभी इंटरेस्ट रेट, तो मैं उसको दिखाता हूँ। देखिए, बैंक में जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है, एक सेकेंड, ये पोस्ट ऑफिस का है, पोस्ट ऑफिस में है अभी 7.1% का। और बैंक देख लेते हैं हम, बैंक नॉर्मली बैंक में देखिए जो फिक्स का चल रहा है वो है एक्सिस बैंक चल रहा है, हाईएस्ट जो फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रहा है अभी फिक्स डिपॉजिट पे, जो कि है 5.75% का। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, अभी पोस्ट ऑफिस में चल रहा है मेरा 7% का। ठीक है, मतलब कि बैंक में रखने से अच्छा तो है आप पोस्ट ऑफिस में जमा करें। ठीक है दोस्तों, पर रही बात डबल होने की, कि पैसा डबल हो जाएगा क्या अगर मैं 7.1% की ब्याज से पोस्ट ऑफिस में फिक्स करवा दूं अपने 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, तो क्या वो 10 साल में डबल हो जाएंगे? इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कैलकुलेटर है, और यहाँ पर मैंने डाले हैं करीब 5,000 रुपये मंथली, यानी कि 60,000 रुपये हो जाएंगे हमारे 1 साल के। ठीक है, और इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं, चलिए इसे कर लेते हैं हम 2,000 रुपये 1 साल के, सॉरी 1 महीने के, और 7% रखते हैं हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, जो कि पोस्ट ऑफिस का था। बैंक का इससे भी कम है, पर कोई बात नहीं, समझ लेते हैं कि बैंक भी इतना दे रहा है 7.1% का। ठीक है, 2,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 24,000 रुपये 1 साल के, और 10 साल के लिए यानी 2.5 लाख रुपये मैंने जमा कर दिए। देखिए, 2,40,000 रुपये मेरी टोटल मेरा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, जो मैंने दिया है खुद, और इस पर मुझे ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,08,000 रुपये का। टोटल मिला के मुझे 3,48,000 रुपये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 7% के इंटरेस्ट रेट से भी यहाँ पर पैसा डबल नहीं हो रहा, 2.5 का 5 होना चाहिए था ना, अभी देखिए 3,48 हो रहा है। अब देखते हैं डबल कितने रेट पे होगा, एक बार देख लेते हैं हम। अगर हम 12 रखो तो देखिए दोस्तों, ये डबल के आसपास हो रहा है पर डबल नहीं हो रहा। अगर 13 रखते हैं तो यहाँ 14 देखिए, अब देखिए दोस्तों, सॉरी ये 13 रखेंगे, 12 13, ये देखिए दोस्तों करीब 13% यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, तब जाकर आपका पैसा 10 साल में डबल हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने उसको बोला, ये बात समझाई उसको मैंने, ये सब कुछ दिखाया जो आपको दिखा रहा हूँ। मैंने उसको बोला यार तू सिंपली क्या कर, सिंपली तू अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा। भाई तेरे पास 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 1 लाख रुपये तेरे पास इकट्ठा पड़ा है अभी। ठीक है, सिंपली एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल, उसमें उसी पैसे में से निकाल निकाल के, तो हर महीने किस्त भर, हर महीने किस्त भरते जा उसी पैसे से। ठीक है, ऑटोमेटिक करवा ले, वहाँ से पैसा आपका कटता रहेगा और तेरा हो जाएगा आराम से। देखिए, ये जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है ये अभी टॉप पर चल रहा है और बेस्ट है इंडिया के अंदर। यहाँ यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। अब दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप आओगे आवर स्कीम्स पर, यहाँ पर ऑल स्कीम्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंड्स हैं जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ देखिए एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ बता रखा है उन्होंने कि पिछले 5 साल में इनका जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहा है, इंटरेस्ट कितना मिला है पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में देख सकते हो, और पिछले 1 साल में भी देख सकते हो। अगर पिछले 5 साल की बात करूँ तो देखिए इसने 14% का रिटर्न दिया है, यानी कि 14% का इंटरेस्ट दिया है पर ईयर का। ठीक है, और बेंचमार्क 14%, सॉरी बेंचमार्क 14 था मेरे, 14 14 गया था एक्स्ट्रा, और 12 रहा है ये, नॉर्मली 12 ये रहा है पिछले 5 सालों में। अगर 3 साल की बात करूँ तो देखिए 19% तक यहाँ पर रिटर्न दिया गया है, और पिछले 1 साल में 42% तक यहाँ पर रिटर्न मिला है। दोस्तों 42% समझ लो आप कितना होता है। और बहुत सारी स्कीम्स है देखिए, यहाँ पर 1 2 3 सबके यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में क्या हाल रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए आप इसमें एक्सिस ब्लू चिप फंड में डालते हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पिछले 5 सालों में इसने लगभग 18% का इंटरेस्ट दिया है पर एनम का रिटर्न दिया है। ठीक है,
और जो बेंचमार्क है वो 16% है, यानी कि 16% से नीचे नहीं गिराए है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इनमें कोई सी भी स्कीम में अपने पैसा लगा सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक अकाउंट खोलना है इसका, म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, इस पेज पर पहुंचने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यू टू एक्सिस म्यूचुअल फंड। यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर डालना है। इसके बाद एक्सेप्ट सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों आप अपनी केवाईसी कर सकते हो, या फिर इनकी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आपकी केवाईसी करी जाएगी और आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा यहाँ पर आपको नहीं देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप या तो ऑटोमेटिक करवा लो, यानी कि आपके उस बैंक अकाउंट से इसमें ऑटोमेटिक हर महीने जाता रहे, या फिर आप मैनुअली भी जमा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं दोस्तों ये कहूँगा आपको कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये पड़ा हुआ है तो आप ये काम कीजिए, बजाय कहीं पर फिक्स कराने के आप म्यूचुअल फंड में इसको इन्वेस्ट कीजिए, तो आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ट्राई कीजिए और उन पैसे को बढ़ाइए। और दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे कि बताया मैंने आपको, ये जो ये पैसा है, ये क्योंकि शेयर मार्केट होता है, इसमें पैसा बढ़ता भी गिरता भी है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सोच समझ कर पूरी समझदारी से कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान भी ना हो और आप इस चीज़ में डटे रहें, आपका पैसा भी सेफ रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा दोस्तों कोई आपको कुछ पूछना है म्यूचुअल फंड के बारे में, या कोई दिक्कत आ रही है अकाउंट बनाने में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।